नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रोमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का वीडियो नंबर 8 लेकर के आया हूँ, जिसका क्वेश्चन इस तरह का है। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए इसको शॉर्ट में कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए यही देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में अंडर रूट 0.289 अपॉन 0.00121। अब देखो, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 5 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको बराबर हम करेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद हम जीरो बैठा सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, ठीक है ना। चाहे जितना जीरो बराबर करने के लिए यहाँ पर हमको दो जीरो की जरूरत है, तो मैंने दो जीरो कर दिया तो 5 अंक ये हो गया, 5 अंक ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि दशमलव से दशमलव तो कट गया, अब हमको करना क्या है कि जो है वो नोट कर देंगे हम, 28,900 हो गया और बटा यहाँ पर 121 हो गया, क्योंकि इधर का दो जीरो जो है ना वो लिखा नहीं जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 170, और इसका कितना होता है 11। यही तो आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर रूट 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक का 2 3 अंक हो गया, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, इस दशमलव से इस दशमलव काट दिया, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, ठीक है ना। तो कितना बच गया गुरु, यहाँ पर बचा 121 गुना 9 बटा 11 गुना 11, ठीक है ना। तो 11 121 होता है, फिर ये कट गया, कितना बच गया अंडर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है। तो इसको हम आ जाइए, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। तो इसमें क्या करना है कि आगे क्वेश्चन बनाने के लिए हम सेम ट्रिक अपनाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अंडर रूट 0.081 इंटू 0.48284, है ना, अपॉन 0.0064 इंटू 6.25, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, कौन कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, कितना टोटल हुआ 6 अंक हुआ। यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 4 अंक के बाद, कितना अंक हुआ 6 अंक हुआ। तो इस दोनों दशमलव से ये दशमलव दोनों कट गया, तो बच गया कितना अंडर रूट 81 गुना 484, है ना, बटा यहाँ पर 64 गुना 625 बच गया, है ना। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 22, और इसका हो जाएगा 8, और इसका हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो ये कट सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये कट सकता है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 11, तो 11 99 25 चौके 100, यही तो हुआ 25 चौके 100, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 0.204 इंटू 42 बटा 0.07 इंटू 3.4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक का 2 अंक कितना हुआ 3 अंक, और 3 अंक ऊपर है तो इससे ये दोनों कट गया ना, तो बच गया कितना 204 गुना 42 बटा 7 गुना 34, ठीक है। तो 7 6 42 हो गया, फिर ये भी 6 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा गुरु 6 के 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 4 अंक के बाद, तो इस दशमलव से इस दशमलव काट दिया, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 इसको इससे काट दिया, फिर यहाँ भी 1 अंक के बाद इसको इससे काट दिया, तो जो बच गया वही हम नोट कर देंगे। क्या बच गया गुरु 95 इंटू 85 इंटू 189, ठीक है।
अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 17 × 5 = 85 हो गया कि नहीं हुआ, 19 × 5 = 95 हुआ कि नहीं हुआ, कह दीजिए नहीं हुआ तो, है ना। यहाँ पर 9 × 2 = 18 हुआ कि नहीं हुआ, तो अंडर रूट 5 × 5 × 9 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 × 9, यानी कि 25 का 5 हो जाएगा, 25 का 5 और इसका 3, तो 5 × 3 = 15, ये तो आंसर आया आपका, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये है 6 नंबर, तो क्या करना है, जैसे अंडर रूट 1 + x / 144 = 13/12 दिया है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 1 + x / 144 = 13/12 जो है ना, इसको हम स्क्वायर में कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब रूट होता है, तो रूट बराबर के पास जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 + x / 144 = 13/13 = 169/12 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसको मिटाना चाहेंगे, तो 144 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + x / 144 = 169/144, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 / 144 को बाहर निकालेंगे ना, तो 169/144 एक इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, बटा वन हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1 / 144 = इसका एलसीएम कितना होता है 144, यहाँ पर 169 घटाव 144, ठीक है ना। तो 1 / 144 = इसमें से घटाएंगे तो 25 / 144 हुआ कि नहीं हुआ, इसे ही कट गया कि नहीं कटा, तो 1 / 25 है ना बच गया, यही तो आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आपका आंसर इतना आया, और अगले वीडियो में इससे भी हार्ड क्वेश्चन थोड़ा देंगे और इससे स्मार्ट तरीके से बनाएंगे और इजी करके बनाएंगे, है ना। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।